सिविया मेडिकल सेंटर दे यूट्यूब चैनल में तुहाडा सब दा स्वागत है। मैं डॉक्टर कीरत सिविया कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट अज तुहाडे नाल गल करांगी कोविड के दिनों की गिनती बारे। कोविड विच ये जानना बहुत जरूरी है कि तुहाडा बीमारी का किनवा दिन है। बीमारी के दिन गिनने उस दिन तो शुरू किए जाते हैं जिस दिन तुहानू पहला लक्षण आए, चाहे वह गला खराब होना हो, चाहे वह बुखार होना हो, चाहे वो खांसी आना हो। पहले 7 to 10 दिन दे विच सब तो ज़्यादा इन्फेक्शन वाले दिन होंदे हैं जदों के मरीज़ दूजियां नूं बीमारी फैला सकता है, सब तो ज़्यादा बीमारी फैला सकता है। तो कोविड दे विच कोई भी ऐसा मरीज़ 14 दिन तक एब्सोल्यूट आइसोलेशन मतलब 14 दिन तक उन्हें बिल्कुल अलग रहना ज़रूरी है। इस हिदायत सबनों दिती जाती है कि 14 दिन तक अलग कमरा ते अलग टॉयलेट विच मरीज रहे। कोविड दे विच अक्सर पहला हफ्ता तक ठीक निकल जाता है पर कॉम्प्लीकेशनस अक्सर 8वें दिन तो आनिया शुरू होती हैं। कहा जा सकता है कि 8 तो लैके 14 दिन तक जिहड़े दिन हैं ये बहुत ही क्रिटिकल डेज होंगे हैं कोविड के मरीजों लई। तो इस दौरान कोई भी ऑक्सीजन लैवल घटन ते या फिर बुखार आते अपने डॉक्टर नू जरूर दसते रहो ताकि वो तुहाडा ख्याल रख सके, तुहाडे टेस्ट उस तरह करा सके ते दवाइयां नू भी उस हिसाब नाल बदल सके। कुछ लोगों नू कोविड 21 दिन तक या उन्हां दा टेस्ट पॉजिटिव ईवन 44 डेज तक पाया गया है। पर इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सब नू बीमारी फैला रहे हैं। अक्सर मनिया जाता है कि 17वें दिन के बाद चाहे कोई पॉजिटिव भी आ रहा है वह दूसरों नू बीमारी नहीं फैलाएगा। इसीलिए सरकार हुण दोबारा कोविड टेस्ट करन नू भी मना करती है। पर जिहड़ियां अच्छियां गाइडलाइनस ने वह रेकोमेंड कर दिया ने कि 17 दिन तक बंदा सैल्फ आइसोलेशन विच रहे यानी कि अलग रहे। तो उहदे बाद जो घरे आप बाकियों नाल रलना मिलना शुरू करे बाहर कॉमन एरिया चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करे तो 2 हफ्ते तक घट्टो घट मास्क हर टाइम पा के रखे। तो वो आस पास वाले लोग भी पूरी प्रीकॉशनस 2 हफ्ते बाद भी फॉलो करन, यानी कि ये एक ऑलमोस्ट एक महीने का पीरियड हो जाता है कोविड शुरू होने तो जो कि प्रीकॉशनस घर के सबनों लैनिया पैनगिया। इस दौरान अपने डॉक्टर नाल पूरे टच विच रहो। तो कोविड ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों नू फीवर लंबे अरसे तक आता है, कुछ कॉम्प्लीकेशनस हो सकती ने, इस दे लई अपने डॉक्टर दे नाल गल करते रहो। धन्यवाद।